हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जन आंदोलन से संबंधित होंगे, जो सभी UP SSSC या सरकारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? ए तारानाथ बंदोपाध्याय, या बी तारानाथ घोष, या सी दीनबंधु मित्र, या डी बंकिम चंद चटर्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी दीनबंधु मित्र। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? ए चुआर विद्रोह पर, या बी तालुकदारों के विद्रोह पर, या सी सन्यासी विद्रोह पर, या डी पालीगर विद्रोह पर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सन्यासी विद्रोह पर। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का केंद्र था? ए लाहौर, बी पुणे, या सी पटना, या डी अमृतसर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पटना था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास, या बी गुरु राम सिंह, या सी गुरु नानक, या डी गुरु गोविंद सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा बी गुरु राम सिंह। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? ए भीलों का, या बी गोंडों का, या सी कोलियों का, या डी गारों का। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा इसका, भीलों का। सॉरी, इसका डी आंसर है, गारों का। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह, या बी बुल्ले शाह, या सी यजुवेंद्र सिंह, या डी स्वामी सहजानंद। इसका करेक्ट आंसर होगा करम शाह, ए पार्ट सही है इसका। फराजी विद्रोह का नेता था मोहम्मद रजा, या शमशेर गाजी, या वजीर अली, या दादू मियां। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, दादू मियां। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सुरगा, या बी जतरा भगत, या बुद्धू भगत, या डी सिगराय राय। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बुद्धू भगत। छोटा नागपुर जनजात विद्रोह कब हुआ था? ए 1820, या 1818, या 1889, या 1807। इसका करेक्ट आंसर होगा 1820, ये पार्ट सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सिद्धू एवं कान्हू, या बी शिबू सोरेन, या सी मास्टर तारा सिंह, या डी जयपाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सिद्धू एवं कान्हू। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? रंपा विद्रोह, या बी संथाल विद्रोह, या सी भील विद्रोह, या डी कोल विद्रोह। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भील विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, या बी कान्हू, या सी तिलक मांझी, या डी सिद्धू। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बिरसा। जनजाति के लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? ए महात्मा गांधी ने, या बी ज्योतिबा फुले ने, या सी बी आर अम्बेडकर ने, या डी ठक्कर बापा ने। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1860, या 1874, या 1896, या 1856। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 1874 में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? ए तेलंगाना, बी मालाबार, या सी मराठवाड़ा, या डी विदर्भ। इसका करेक्ट आंसर होगा मालाबार में, बी पार। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? ए बंगाल एवं महाराष्ट्र में, बिहार एवं बंगाल में, या सी मध्य प्रदेश एवं बिहार में, या डी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? रानी गायदिनलियू, या बी झापकर बापा, या सी जोड़ानाग, या इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी जोड़ानाग। कूका विद्रोह एवं कूकी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पंजाब और बंगाल में, या बी बिहार और त्रिपुरा में, या पंजाब में और मणिपुर एवं त्रिपुरा में। बिहार और मणिपुर एवं त्रिपुरा में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी,
कूका विद्रोह जो पंजाब में हुआ था और कूकी विद्रोह जो है मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में और कूकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। अलग अलग किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था? जरिया भगत, कानू सन्याल या रूप नायक या फोर्थ बिरसा मुंडा? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ बिरसा मुंडा। ओके, थैंक यू।